हाय गाइस, माय नेम इज हेमंत। आज मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले एक पोल पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई मैं अपने डॉग्स का ब्लॉग बनाऊं क्या। तो उनमें से काफी लोगों ने बोला था कि भाई बनाओ बनाओ, काफी सारे वोट्स भी आए थे बनाने के लिए। तो मैं ला चुका हूं आप लोग के लिए एक नया वीडियो, नया ब्लॉग। आज मैं आप लोग को अपने डॉग्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इनकी क्या हरकतें हैं, क्या बदमाशी है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो पे आज दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से तैयार हो जाइए गाइस इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत आप लोग को मतलब एंटरटेन करेगी, आई होप ऐसा ही हो। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ से स्टार्ट होता है इनका मॉर्निंग वॉक। और जो ब्लैक वाला है उसका नाम है टुक्कू, एंड जो ये वाइट वाला है इसका नाम है ऑस्कर। ओके, बट गाइस ये लोग थोड़ा सा सुबह सुबह बहुत दिमाग खराब करते हैं यार। देखो ना कैसे भागते हैं लोग, एकदम गिरा देते हैं मेरे को। एक चीज बताऊँ आप लोगों को, देखो यार ये व्हाइट वाले से ज़्यादा समझदार ना ये ब्लैक वाला है। उसको मतलब सब पता है कि भाई अपने को जाना है बाहर और ये काम करके आना है। और अभी कई लोग बोलेंगे कि भाई यार व्हाइट वाले को खोल दे फिर, लेकिन यार नहीं खोल सकते, थोड़ा सा ये हराम ही है, समझ जाओ आप। इसे खोल दूंगा ना मैं तो ये हाथ पे आता नहीं दोबारा। देखो वो अपने आप अपने अड्डे पे चला गया चुपचाप से। और इसको मैं घुमाते हुए, सबसे अच्छी बात ये कि यार ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ज़्यादातर डॉग्स क्या होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं फ्रेश होने में, लेकिन ये लोग ज़्यादा ज़्यादा मेरे को 5 या 10 मिनट लास्ट इतना मेरे का काम हो जाता है। तो इन लोग का भी पूरा हो चुका है, अब इन लोग घर ले जाने का टाइम है। और मैं अपने ऑस्कर भाई के साथ में थोड़ी सी मस्ती करते हुए कितना थोड़ा पर चलो। Let's go. देखो यार मेरा मतलब घर है जो भाई साहब यहाँ पे देखो अलग लेवल का मजा है, यहाँ पे सब आते रहते हैं। देखो यहाँ पे भी मोर भी आ गया, देख रहे हो वो पानी पीने के लिए आया है, अभी काफी सही है। भाई साहब ठंड एक ना। तो गाइस मैंने इसको भी बांध दिया है, दूसरी वाली किधर गई? अच्छा बेटा घूमना नहीं, इधर आ जा चुपचाप से, चल आ जा। तो अब आप लोग देखिए थोड़ा सा हमारा खेत, इस पे शायद धनिया लगा हुआ है,
ये शायद पालक है, शायद है ये भी पालक है, ये मेथी है, बट ये कौन सी मेथी मेरे को पता नहीं, लाल रे की झाल रे पता नहीं। मूली लगी हुई है, देखो आगे भी लगे हुए बहुत सारे, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं है। ये है अपना लहसुन, यस लहसुन। और अभी मम्मी ने कल ही इन क्यारी में कुछ आलू वगैरह लगाई है मम्मी, तो उसके देखते कब तक होते। इधर ये देखिए जस्ट मैदान है, यहाँ पे कभी भी पार्टीज वगैरह होती है कुछ भी मतलब, तो यहाँ पे ही इंजॉय किया जाता है। और बेसिकली देखो यार, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये एक फार्म हाउस की तरह है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कोई हमारा खुद का नहीं है, ये सब फार्म हाउस है अंकल का, यहीं पे हम लोग रहते हैं। अंकल समझो या मालिक समझो, आप लोग की मर्जी है कुछ भी, हम लोग अंकल ही बोलते हैं बट मालिक से बढ़ के हैं। और वीडियोस बनाते बनाते अंकल की भी एंट्री हो गई, और अंकल कौन है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाड़ी में आए हुए हैं अभी मॉर्निंग में, हम गाड़ी अंदर लेके जाएं। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा इनके साथ मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा खेल लेते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन मैं ब्लैक वाला डॉग है उसके साथ ही खेलूँगा, क्योंकि जो दूसरा वाला है उसको इतना आता नहीं खेलना वगैरह, कुछ भी नहीं आता है। मैंने उसको सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं सीख पाया, क्योंकि वो मिनिमम अभी मेरे साथ में 2 साल से है, तो उसको भी इतना पता नहीं है, क्योंकि पहले ही अंकल के घर पर था, तो इतना कुछ उसको अभी आता नहीं है, मतलब सिखाया भी नहीं शायद, लेकिन अब ये सीखता ही नहीं है। अब क्या पता ये इसकी कमज़ोरी है या फिर क्या दिक्कत है। बाकी ब्लैक वाला डॉग मेरे साथ बचपन से है, तो काफ़ी कुछ सीख चुका है वो, तो खेलता भी है, घूमता भी है, डरता भी है, उसको सब पता है। Thank you.
ये देखो गाइस यार, ये जो ये बाल्टी में से जो ये पानी नहीं का मतलब बाल्टी में से जो ये बॉल निकाल की जो ट्रिक है, मैंने इसको सिखाया था और ये पहले बहुत करती थी, बट पता नहीं इसको अभी क्या हो गया, ये कर नहीं रही है। कोशिश जरूर कर रही है लेकिन इससे हो नहीं रहा है। नहीं तो पहले ड्रम के अंदर भी घुस जाती थी है, भले इसकी जान जा रही हो लेकिन इसको अंदर जाके उस बॉल को निकालना है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सिखाई है, अभी वाइट वाले को तो कुछ भी नहीं आता यार, क्या बताऊँ। लेकिन भाई घर की रखवाली मैन वही करता है क्योंकि उसको देखते कोई बंदा अंदर घुसता ही नहीं है, घुसने से पहले 10 बार सोचता है कि भाई कहीं कोई कांड ना हो जाए और देखो इसकी रनिंग पावर, अभी मैं इससे तेज भाग रहा हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे को मेरे से मतलब आगे निकल जाएगी। वैसे के लिए मैंने वीडियो को स्लो मोशन किया है इसलिए आपको लग रहा होगा मैं धीरे भाग रहा हूँ, लेकिन बहुत स्पीड में भाग रहा था इसलिए स्लो मोशन कर दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा लगे यार कि डॉग क्या दौड़ता है ये देखो इधर मैं क्रिस बनता हुआ और यहाँ पर मैं 2-3 बच्चों वाला एक्शन करता हुआ। ये जय बात, वाह क्या बात है, ये चलो हो गया शक्तिमान, घर चला। काश आप लोग को मजा तो आ रहा होगा यार, है ना, आ रहा है ना, तो कमेंट कर दो, शर्माओ मत फटाफट जल्दी बहुत मेहनत लगी भाई, 3 दिन से वीडियो बना रहा हूं। आप लोग को लग रहा होगा वीडियो 1 दिन के अंदर शूट हो गया, लेकिन नहीं भाई मेरे को और भी काम होते हैं, यही थोड़ी है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक इनका वीडियो बनाता रहूं। तो मैंने 3 दिन में इसको सेट किया है, एक शॉट सुबह यानी कि 1 दिन में एक शॉट, फिर ये जो खेलने वाला शॉट है ये दूसरे दिन, खाने वाला शॉट तीसरे दिन, ऐसे मैंने लिया है। तो देखो यार यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा सैड हो गया था मैं, क्योंकि यार इसका प्यार देखकर आजकल के टाइम पे देखो यार इंसान पे तो भरोसा करो मत, सही में मैं देखो साफ बोलता हूँ। तो गाइस सबसे बेस्ट जानवर ही होते हैं भाई साहब, कुछ भी हो, भले वो समझते नहीं, कम समझते, लेकिन उनको सब पता है कि भाई हमारा मालिक कौन है, हमें किसने क्या किया है, हमारे लिए कौन क्या करता है, तो ये उसका साथ हमेशा देते हैं, अपने मालिक के लिए तो हमेशा रहते। देखो अभी मैं इसके साथ में बैठ गया तो ये देखो कैसी मस्ती कर रहा है, तो इस जगह पे थोड़ा सा मैं सैड हो गया था कि यार कितना प्यार कर रहा देखो, क्योंकि इसको थोड़ा सा बुरा लगा अभी, क्योंकि मैं अभी ब्लैक वाले से ज़्यादा खेल रहा था तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था जब से भौंके जा रहा था, तो इसको थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है कि भाई तू उसके साथ क्यों घूम रहा है, उसके साथ क्यों बैठा है, मेरे पास आना, इसके कहने का मतलब ये है देखो इसका मुंह देखो अरे रे 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 रे। भाई साहब इसके नाखून इतने बड़े हैं कि इसने पूरे मेरे शरीर पे निशान निशान कर दिए यार, बहुत दर्द हो रहा है जैसा भी है अपना उसका भाई, लव यू लव यू मेरे भाई लव यू। देखो 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 गाइस, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर आप लोग ऐसे डॉग्स लेते हो तो यार प्लीज़ उनको बहुत कुछ सिखाना, उनको अच्छी आदत सिखाना काफ़ी कुछ, क्योंकि ये जो डॉग है इसको इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन बस ये कि कुछ भी हो अच्छा है, जो भी है बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे डॉग्स को मतलब हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़, हर चीज़ बोले तो कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, बट जगह के हिसाब से जितना आता है मैंने उतना इनको सिखा दिया, अब क्या करें इतना तो अपने पास भी टाइम नहीं है यार।
दोबारा हम मस्ती करते हुए। शायद मेरे हिसाब से 6 बज रहे हैं, हाँ 6 तो या 6:30 बज गए। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया इनको ले जाने में। अब क्या बताऊँ, थोड़ा काम था, बाहर गया था, मार्केट गया था मैं, तो थोड़ा सा ले जाने में इनको लेट हो गया। देखो मार्केट से आके मैंने मास्क भी नहीं उतारा, सीधा गाड़ी से उतरते ही मैंने इसको खोला है ताकि भाई या फिर यहीं पर ना कर दे सारा काम, चल बाहर कर दी। आप लोग सभी गाइस एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपको बताता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। आपने एक चीज़ बहुत नोटिस किया होगा यहाँ पे, और वो ये कि साला यहाँ पे कचरा कितना है हेमंत भाई, है ना। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई यहाँ पे कचरा बहुत है यार तुम्हारे यहाँ पे, तो हाँ यार ये चीज़ मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो शायद अभी तो नहीं दिख रहा होगा ढंग से, यहाँ पर फैक्ट्री है इस वजह से मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कचरा वगैरह ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए सॉरी। अब कितना समझाए इनको, बोल भी दिए थे 2-3 बार कि भाई यहाँ पे कचरा मत डाला करो, लेकिन क्या करें, इनके मतलब जो आते हैं कलर वगैरह डब्बे वगैरह सब उनमें से कचरे वगैरह निकल जाते हैं, कागज़ वगैरह पन्नी वगैरह, तो ये लोग फिर हटाते नहीं है, उसको जलाते नहीं है, कचरा कर देते हैं, मतलब बाद में करेंगे। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे सफाई वगैरह होगी बढ़िया से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और हमारा शेर अभी इसी कचरे में अपना कचरा दान करने आया है। तो गाइस अब इनका खाने का टाइम हो चुका है, रात का खाना बेसिकली। तो रात के समथिंग हम लोग 9 बजे या 10 बजे के आसपास इनको खाना डालते हैं, डेली रूटीन है। और खाने के लिए तो भाई साहब ये इतना पूछो मत यार, अगर गलती से किसी ने से खाना छेड़ दिया ना, तो चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, मुझे भी नहीं छोड़े। और खाना डालने के लिए दिन में भी मम्मी और मैं आते हैं, कभी कभी मैं दिन में नहीं आता, लेकिन रात में मम्मी के साथ में मैं आता हूँ ज़रूर उनको खाना डालने। गुड नाइट गाइस। तो गाइस यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, काफ़ी मेहनत लगी मेरे को इस वीडियो को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, तो काश आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आया हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज़, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाने आते रहेंगे, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मतलब अब ब्लॉग डालूंगा, DJ सॉन्ग्स भी आते रहेंगे, चिंता मत करो, ओके, थैंक यू।